सो भाई लोग, एक हमारी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मिस गुंजन। उनकी एज लड़की के वैसे बताया नहीं चाहिए, बट बता रहा हूँ मैं, उनकी एज है 19 इयर्स एंड वो रहने वाली है हमारे उत्तराखंड मसूरी की। सो व्हाट्स अप लोग, कैसे हो आप सब? दिस शादाब खान, वेलकम टू मिस्टर पीसी वाले। लखनऊ में हमारा स्टोर सिचुएटेड है, आप लोगों को पता ही होगा। फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, सीधे बात करेंगे पीसी की कॉस्टिंग क्या। इस पीसी की कॉस्टिंग है रफली 35,000 रुपए के बजट के आसपास का पीसी है, विद डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, एएमडी रेडियन आरएक्स, उल्टा हो गया, एएमडी रेडियन आरएक्स 550, 4GB का इसमें लिखा हुआ भैया साफ साफ कि 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है एएमडी का। तो ये ग्राफिक कार्ड इसमें यूज हो रहा है, सो आप लोग वीडियो देखना जरूर। हम लोग क्या करते हैं, पीसी बिल्डर्स हैं, इंडिया के काफी बड़े पीसी बिल्डर्स, आप लोग ये आप ही लोग की बात कहते हो, काफी बड़े बड़े गेमर्स के पीसी बिल्ड किए हैं, तो आप लोग वीडियो को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल जरूर करना, ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगा ना, आपके पास उसकी क्या आ जाएगी, आपके पास उसकी आ जाएगी नोटिफिकेशन। आइए बात करते हैं कि हम लोगों ने इस पार्टिकुलर पीसी में किन किन कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है। 35 अगर आपका बजट है, 35 के आसपास बजट है, 40 के आसपास बजट है, तो आप इसको मेक श्योर अपनी लिस्ट में एड ऑन जरूर करना इस पीसी को, देखना कि, और उसके बाद बेंचमार्क निकालेंगे, किसी हाई गेम की बेंचमार्क निकाल दिखाएंगे, देखना जरूर आप लोग। सो भाई लोग, सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है कोर्सेर की कैबिनेट। इस कैबिनेट को एक पहली बात तो ये कोर्सेर ने नई लॉन्च की कैबिनेट, तो इस कैबिनेट को हम लोग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने चैनल पे। इसका जो मॉडल नंबर है वो है कोर्सेर 275 एयर फ्लो, कोर्सेर 275 एयर फ्लो व्हाइट कलर कैबिनेट है आपके सामने। देखिए कुछ, देखिए इसके डिसएडवांटेजेस भी है, कुछ एडवांटेजेस भी है। जो एडवांटेजेस है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले आपको एक आपके मेश डिजाइन दिखता है, प्लस वेट के मामले में बहुत भारी कैबिनेट है, वेटेड बिल्ड क्वालिटी आप देखो, एक नंबर जबरदस्त कैबिनेट है, फुल व्हाइट कलर पे आती है। और ये रहा इसका साइड का लुक, जिसमें आपको टफन ग्लास मिलता है और ग्लास के बॉर्डर को ब्लैक करके रखा है। एक फैन देखिए बैक में देते हैं, प्लस दो फैन नॉन RGB दिए हुए हैं फ्रंट में, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। उसके अलावा आप उस पर टॉप पे 240mm का लिक्विड कूलर इंस्टॉल कर सकते हो, और यहाँ पे फ्रंट में 360mm का लिक्विड कूलर इंस्टॉल कर सकते हो। ये रहे इसके IO पोर्ट्स, देखिए इसमें आपको 3.0 के दो पोर्ट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। और अब बिल्ड क्वालिटी की बात होता है, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे बिल्ड क्वालिटी कैसे दिखाएं आपको, एक सेकंड रुको, आप देखिए भाई लोग, मैं जो बात कर रहा था ना वो ये कर रहा था, देखो आप इसमें ये देखो रबड़ के इन्होंने वो दे रखे हैं गैप, जहां से वायर हमारा आएगा, सबसे मेन बात ये होती है। उसके अलावा ये बहुत मजबूत है, और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे देखो ये स्लॉट दे रखा है, देखो जो आपको टू वो ग्राफिक कार्ड को वर्टिकली अलाइन करने के लिए ये स्ट्रिप ऑलरेडी हमारे यहाँ पे दे रखी है। तो कैबिनेट बहुत अच्छी है, बस एक डिसएडवांटेज क्या है इसमें, फर्स्ट थिंग इसमें इन्होंने नॉन RGB फैन दे रखे हैं, RGB फैन दे ही नहीं, RGB फैन देना चाहिए, तो गेमर को RGB फैन पसंद होते हैं, बट जो बिल्ड क्वालिटी तरफ जाएगा, जो इस लोगो की तरफ जाएगा, ये लोगो देख लो, उसके लिए बहुत ही शानदार कैबिनेट है। सो गाइज, अगर आपको भी कोई इसी तरीके से पीसी बिल्ड करना है, तो सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम शादाब खान, ये आपकी भाभी निशी भाभी, आप अंकित कुमार शर्मा, अंकित कुमार शर्मा। तो हमारा जो स्टोर का नेम है वो मिस्टर पीसी वाले, सिचुएटेड है हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर आपको कोई इसी तरीके से पीसी बिल्ड कराना है, हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट खोल के देखिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे हर स्टेट वाइज हमने लिख रखा है कहाँ कहाँ हमने शिपिंग की है। अगर आपको हमसे पीसी परचेस करना है, तो अभी हमारे पास टू वेज हैं। सबसे पहला वेज है व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है क्या है, 9532777615। वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करिएगा और आपको जल्द से जल्द रिवर्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा व्हाट्सएप पे, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, आपको रिवर्ट मिल जाएगा। बाई चांस रिवर्ट नहीं मिलता है, क्या नंबर क्या है, 9532777615। अदरवाइज जो सेकंड ऑप्शन हमसे कॉन्टेक्ट करने का है वो मैडम क्या है, सेकंड ऑप्शन है इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, यूजर हैंडल है हमारा मिस्टर पीसी वाले विदाउट एनी स्पेस, वहाँ पे जाके आप डीएम कर सकते हो, और वहाँ पे भी आपको एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म मिलेगा जिसे आप फिल कर दोगे। वहाँ पे मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगी, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी और फिर हम बात करेंगे। और हाँ, फेक पेज से बचना, हमारे बहुत सारे हमारे नाम के फैन पेज फेक पेज बने हुए हैं, तो प्लीज उनसे बचना, बचिए ठीक। और इसके अलावा अगर आप चाहते बताएं आपको, हम लोगों ने इंडिया के काफी बड़े बड़े गेमर्स के पीसी बिल्ड किए, जैसे अंतर्यामी गेमिंग, बंदूकबाज, साइबर, एंड्रियोबी, किलचोर, राही, मतलब एटसेट्रा सारे। और आपको बताएं, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, व्हाट्सएप नंबर का भी लिंक पड़ा है, सारे यूट्यूबर अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो आप हमसे भी इसी तरीके पीसी ले सकते हैं। इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने हमारी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
उसके बाद पहले हम जो SMP यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं आपकी कूलर मास्टर की MWE 450 वॉट 80 प्लस ब्रॉन्ज, जो कि आती है 5 इयर्स की वारंटी सर, अंदर भी पावर सप्लाई। अब इस पावर सप्लाई को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि RX 550 कार्ड है। अंकित भाई ने आपका कहा है कि उसमें एटलीस्ट आपको 450 वॉट की सप्लाई लगानी ही पड़ेगी, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। उसके बाद देखिए जिसमें मदरबोर्ड यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है गीगाबाइट का B450M DS3HV2 अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड, जो आता है आपके AMD 5000 रेडी आता है, और उसमें आप मोस्टली AMD के हर टाइप के प्रोसेसर्स को इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस मदरबोर्ड को यूज कर रहे हैं। देखो A320 आता है सबसे स्टार्टिंग सीरीज, A320 हम लोगों ने यूज नहीं किया क्योंकि वो बहुत पुराना बोर्ड हो गया। ऐसा बोर्ड यूज करना चाह रहे थे जिसमें हम फ्यूचर में अगर कोई अपग्रेडेबल प्रोसेसर भी लगाना चाहें तो हम उसमें इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ गए आप, सारे कंपोनेंट्स के लिंक पढ़े हैं। अब हमें देखो पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या प्राइस है उस दिन तो याद रहता नहीं, हम शूट करते हैं, मेन में मेरा फोकस होता है शूट पे कि आप लोगों को कैटेगराइजेशन दिखा सकें कंपोनेंट्स की। तो आप लोग लिंक पे नीचे क्लिक किया करो, उस पर आपको अमाउंट दिख जाएगा कि हाँ जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उस दिन इस कंपोनेंट का मार्केट का क्या प्राइस है। प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट हुआ करते हैं डेली बेसिस पे। उसके बाद जो उसमें प्रोसेसर यूज हो रहा है वो AMD Ryzen 5 5500 प्रोसेसर यूज हो रहा है, जो आता है आपके 6 कोर और 12 थ्रेड पे। प्रोसेसर देख लो, ये रहा, ये देखो कवर प्रोसेसर। तो आप हमारा अगर आपको एक ठीक ठाक लेवल की एडिटिंग करनी है तो भी आपके लिए ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है, गेमिंग करनी है उसके लिए प्रोसेसर बहुत अच्छा है। बेंचमार्क है, वीडियो में आगे रुके रहना, दिखाएंगे आपको कि क्या गजब की परफॉर्मेंस आ रही है, क्या गजब की। उसके अलावा जो उसमें रैम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो यूज़ कर रहे हैं XPG के D30 8GB की 3200 स्टिक, 1 स्टिक रैम यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ 250GB की PNY की NVMe यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड सफायर का RX 5 Radeon 550 4GB का ग्राफिक कार्ड, ये देखिए आपके सामने रखा हुआ है, ये ग्राफिक कार्ड हम लोग इस बिल्ड में यूज़ कर रहे हैं। तो सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको देखिए लिखा हुआ है 4GB 4GB DDR5, तो सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखा दिए। अब अंकित भाई को बुलाते हैं, अंकित भाई फटाक से इसका बंडल बनाएंगे, बंडल बना के मशीन रेडी करते हैं, सीधा आते हैं बेंचमार्क। तो भाई लोग पीसी अपना बन के तैयार हो गया है, और देखो मैंने जो जिस डिसएडवांटेज की बात की थी वही है। देखो इस कैबिनेट में आपको बिल्ड क्वालिटी से लेके A to Z सब अच्छा मिलेगा, बट एक चीज अच्छी नहीं मिलेगी, वो क्या नहीं मिलेगी, वो इसके फैन। देखिए फैन आपको ये नॉर्मल फैन मिलते हैं, सिर्फ फैन, कोई भी RGB फैन नहीं है, एक माइनर से RGB दिख रही है जो कि आपके मदरबोर्ड में आती है। देखिए फ्रंट में कोई भी RGB नहीं आती है, एकदम सिंपल सोफिस्टिकेटेड लुक के साथ आपकी ये कैबिनेट आती है, ठीक। उसके अलावा देखिए हमने इसमें विंडोज वगैरह सब इंस्टॉल कर लिए और सब कुछ कर लिए। अब बारी आती है बेंचमार्क की, अब हम इसमें गेम टेस्ट करने जा रहे हैं गॉड ऑफ वॉर। अब आप देखिए इसकी, सो 3 2 1 गेम हमारा सेट हो चुका है, हम इसको करते हैं बैक। ये हमने खोला, ये देखिए हमारा गेम रन है, कौन सा गेम चल रहा है, ये चल रहा है हमारा गॉड ऑफ वॉर, ये मार रहे हैं हम इसको बहुत अच्छे तरीके से, हमारे जो FPS आ रहे हैं ये फोड़ दिया, ये गिरे, ठीक। अरे इसकी तो ऐसी तैसी मारेगी, मारेगा हमको साला, रुको रुको जरा एक सेकंड, खड़े हो जाओ पहले पहले भाई, कहाँ गए भैया, कहाँ गए, खड़े हो जाओ भाई मेरे, खड़े हो जाओ, बैक देखे, बैक देख, बैक 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 देख, बैक देख, बैक, ये मार 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 मार, ये मारा बहुत बुरी तरीके से। तो हमारे FPS जो आ रहे हैं इसमें 23 24 25 के आसपास आ रहे हैं, मतलब अगर भाई साहब आपको गॉड ऑफ वॉर में खिलवा रहा हूँ, गॉड ऑफ वॉर में अगर आपको 20+ FPS मिल रहे हैं 35,000 के PC से जिसमें एक डेडिकेटेड GPU हमारा लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही शानदार बात है भाई साहब, बहुत ही गजब बात है, मज़ा आ गया मेरा देख के ये चीज़, क्योंकि आप देखो कितना बढ़िया, इतना स्मूथ गेम चल रहा है, 20+ FPS आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात यही है कि 20+ FPS अगर आपको गॉड ऑफ वॉर देता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको बड़ा PC देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मजाक कर रहे हैं भाई, ये हमारा भाई फंस चुका है कहीं बुरी तरीके से।
ये देखो हटा रहा है, फंस गया था बेचारा। अब ये दिया इसने मुंह पे, उसके बजा के मुंह दिया इसका फोड़, और मर तेरी ऐसी तेजी मरे। अब देखो टेम्परेचर जो हमारा सीपीयू को जा रहा है वो 49 डिग्री जा रहा है, एएमडी आरएक्स 550 का टेम्परेचर जा रहा है 73 डिग्री। तो उसके हिसाब से उसको देखें अगर हम, तो गेम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है यार, बहुत शानदार गेम चल रहा है, बहुत बढ़िया गेम चल रहा है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त गेम चल रहा है, एकदम मस्त गेम चल रहा है मक्खन। मेन बात होती है पता, FPS मैटर करते हैं, मुझे पता है आप लोग कहोगे, लेकिन आप ये भी तो देखो कि एक जगह पे आपके कितने FPS। देखो मैं भाग रहा हूँ कि जबरदस्त तरीके से चल रहा है, ये देखो मैं भाग रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, बहुत अच्छा गेम चल रहा है, बहुत बढ़िया मस्त। थोड़ा सा मुझे अपने कर्सर की जो स्पीड है उसको सही करना है, और आजकल ये गेम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इसीलिए मेरा मूड हुआ कि मैं आपको दिखा दूँ यार जगह कि कैसा गेम चल रहा है। तो आपने देखा किस तरह गेम चल रहा है, रेगुलर 25 FPS के आसपास आपको रेगुलर मिलेंगे इसमें, 25 FPS मिल रहे हैं और 29 भी पहुंच रहे हैं, सही है यार, अच्छा दे रहा है भाई साहब। तो अगर आपको ये गेमिंग करनी है, लाओ दिखाओ भाई, लुको जरा। सो भाई साहब अगर आपको गेमिंग करनी है और 35,000 बजट है और एक डेडिकेटेड आपको GPU चाहिए है, मेरी फेस समझ आता, मैं बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा थका हुआ हूँ भाई साहब, हद से ज़्यादा थका हुआ हूँ। अगर आपको डेडिकेटेड GPU के साथ गेमिंग करनी है, कोई सिस्टम चाहिए, तो ये बिल्ड आपके लिए बनाया हमने भाई साहब, बहुत मुश्किल से। आप में से कई लोग कहते हैं भाई, भाई बहुत हैवी भी, बहुत महंगे महंगे बिल्ड बना रहे हो, तो हमने कह लो आप थोड़े से शॉर्ट बिल्ड आपको देंगे, ऐसे बिल्ड देंगे कि जिसमें आपको मज़ा आए, जिसमें आपको इन्जॉय हो, आपको लगे हाँ बजट गेमर्स हैं उनके लिए भी ये पीसी बहुत अच्छा है। तो बजट गेमिंग अगर आप करना चाहते हो, GTA 5, साइबर पंक, गॉड ऑफ वॉर सब कुछ इसमें एवरेज क्वालिटी में चल जाएगा। देखो मेन होता ना लैग करना, लैग नहीं कर रहा है कहीं से भी। देखो आपको ये नया पीसी बाय करना है, आप किस इनके भी नंबर आ रहा होगा 9532777765, हमको व्हाट्सएप लेना, अदरवाइज पीसी कैसे लगा बताना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और सुनो 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 सुनो, अगर आपको बिहाइंड द सीन देखने हैं, मिस्टर पीसी वाले शॉर्ट चैनल हमारा है, उसको सब्सक्राइब करना, वहाँ पे हमने इसको बिहाइंड द सीन में दिखाया है कि हम लोग बिहाइंड द सीन क्या क्या किया करते हैं, देखते रहना।